हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को इम्पैटिको की होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी। इम्पैटिको एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है, जिसे स्कूल सोर्स भी कहते हैं। ये स्किन इन्फेक्शन मोस्टली बच्चों में होता है, जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये कंप्लेन पाई जाती है। ये कंटेजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है, जो मोस्टली चाइल्डहुड 2 to 5 ईयर के बच्चों में पाया जाता है। कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो एक दूसरे से फैल जाते हैं। अगर किसी एक बच्चे को ये कंप्लेन है और घर में दूसरा बच्चा है, तो उसके कपड़े यूज़ करने से या छू लेने से या करने से तो ये कंप्लेन स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग ये स्प्रेड हो जाता है। ये किस कारण होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज, स्टेफाइलोकोकस पैरोजिन्स, ये बैक्टीरिया है जो स्किन की किसी भी कंडीशंस को प्रोड्यूस करती है। ये इम्पैटिको एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन है, जो मोस्टली फेस पे, चेहरे पे, हाथों में और पैरों में हो जाता है। इसमें छोटे छोटे दाने आते हैं और राउंड शेप में होता है। उस कभी कभी ब्लड भी आता है, पस फॉर्मेशन भी होता है, उसे इम्पैटिको कहते हैं। ये इनके लक्षण क्या होते हैं? ये रेड सोर्स होते हैं, जैसे बेड सोर हो जाते हैं उसी कारण ये रेड सोर्स होते हैं। लाल लाल तरीके से होते हैं, मुंह के होठ के चारों ओर हो जाते हैं, नाक पे हो जाते हैं, नोज पे। इसमें ईचिंग भी होती है, खुजली होती है, पेनफुल होता है, दर्द भी होता है और ब्लस्टर लाइक इरेप्शंस भी होते हैं। छोटे छोटे दानों में पानी भरा होता है, छाले टाइप के, ऐसे भी इरेप्शंस हो जाते हैं। इम्पैटिको की होम्योपैथिक मेडिसिन है। इम्पैटिको अगर फेस पे, चेहरे पे है तो एंटीमक्रूट 6 पावर में 3 times a day फॉर 1 week के लिए यूज़ कर सकते हैं। इम्पैटिको अगर फोरहेड मतलब माथे पर अगर बच्चे के हैं तो मर्क सॉल्ट 6 पावर में 3 times a day फॉर 1 week के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हेड पे, हेड या मुंह के चारों ओर, लिप्स के चारों ओर अगर ये इरेप्शन है, हैंड्स में, हाथों में, लेग में, कहीं भी अगर ये इरेप्शन बॉडी में है और साथ में बर्निंग हो रही है, पेनफुल है, बर्निंग हो रही है, रेडनेस है, तो आर्सेनिक एल्बम 6 पावर में 3 times a day फॉर 20 days के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक सिम्टम अकॉर्डिंग आप एक मेडिसिन चूज़ करके अपने चाइल्ड को यूज दे सकते हैं। साथ में आपको हाइजीन भी मेंटेन करनी होगी। हाइजीन मेंटेन करिए, जैसे बच्चे के जो भी कपड़े हैं उसे दूसरे बच्चे को टच ना करने दें, यूज़ ना करें। बेड शीट क्लीन रखें, टॉयज वगैरह भी अवॉइड करें, सोप शैम्पू भी अच्छा यूज़ करें, हाइजीन मेंटेन करें। इससे भी प्रिवेंटिव होता है और एक दूसरे को नहीं स्प्रेड होता है, कंट्रोलिंग इम्पैटिको होती है। आप इसमें से कोई भी एक होम्योपैथी मेडिसिन चूज़ करके अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।